और वहीं एफएटीएफ की बैठक पर आज पूरी दुनिया की नजरें रहेंगी। दरअसल बैठक में पाकिस्तान को यह साबित करना होगा कि उसने टेरर फंडिंग रोकने के साथ ही आतंकियों के खिलाफ क्या ठोस कदम उठाए हैं। तो संस्था ने जून 2018 में पाक को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था और 27 पॉइंट का एक्शन प्लान देते हुए एक साल का समय दिया गया था। अगर पाक 27 पॉइंट के प्लान को लागू करने में फेल होता है तो उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। तो पाकिस्तान के भविष्य का आज फैसला होगा एफएटीएफ की बैठक में। पेरिस में बैठक चल रही है, 12 अक्टूबर से जो शुरू हो चुकी है और 18 अक्टूबर तक चलेगी। और इस बैठक में एफएटीएफ पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर सकता है। दरअसल जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे सूची में शामिल किया गया था और उसी दौरान चेतावनी दे दी गई थी कि अगर आप इन 27 पॉइंट्स का पालन नहीं करते हैं तो आपको ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाएगा। और लगातार देखा गया है कि किस तरह से आतंकियों को फंडिंग पाकिस्तान करता है और आतंकवाद रोकने में कहीं ना कहीं पाकिस्तान जिस तरह से नाकाम हुआ है उसको लेकर अब सख्त एक्शन एफएटीएफ की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ लिया जा सकता है और पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में डाला जा सकता है। तो आतंक को कितना पनाह देता है पाकिस्तान, इसका फैसला आज एफएटीएफ की बैठक में हो जाएगा। साफ साफ हो जाएगा कि उन 27 पॉइंट का किस तरह से पालन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। तो पाकिस्तान के भविष्य का फैसला आज होगा एफएटीएफ की इस बैठक में और पाकिस्तान को इस दौरान ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है।